हाँ, दिल थोड़ा खराब <laughs> so, हो गया हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो अभी सुबह हो गई है एंड मैं अभी रेडी होके ब्रेकफास्ट करके फिर मैं ये आपसे बात कर रही हूँ सो so, आज है फादर्स डे आ, वैसे तो पापाओं के लिए कोई अलग से दिन नहीं होता है वो लोग है तो हम लोगों की मतलब सबसे सपोर्ट बड़ी सपोर्ट सिस्टम जो है वो मम्मी पापा ही होते हैं सो so, फिर भी यू you नो know, हर दिन तो स्पेशल होता ही है लेकिन एक आध दिन तो मतलब स्पेशल बनाना चाहिए ना उन लोगों के लिए अरे कहना क्या चाहते हो आई I मीन mean, जो भी मैंने कहा आपको समझ में आ गया होगा तो मदर्स डे की तरह मैं भी फादर्स डे भी आज सेलिब्रेट करने वाली हूँ एक स्पेशल दिन मतलब एक दिन तो उन लोगों को अच्छे से ट्रीट देना चाहिए ना एंड सबसे अच्छी बात होती है कि ये संडे को है तो पापा की छुट्टी भी है तो हम सेलिब्रेट कर पाएंगे तो so, आज मैं डिसाइड किया है कि मैं आज कुछ अलग से खाना बनाऊंगी पापा के लिए कोई गिफ्ट नहीं दूंगी लेकिन कुछ खाना बनाऊंगी जो उन्हें पसंद है एंड कुछ डिफरेंट तरह की फिश आइटम बंगाली टिपिकल बंगाली खाना जो होता है वो मैं बनाऊंगी एंड पर उसमें थोड़ा सा मैं वेरिएशन ऐड करना चाहती हूँ लाइक फिश एंड चिकन में थोड़ा सा वेरिएशन ऐड करना चाहती हूँ उसी के साथ में मैं आज एक आ, स्वीट बनाऊंगी जिसका नाम है मिठाई बनाऊंगी जिसका नाम है चौमचौम -चौम। बहुत दिन से चाड़ी थी कुछ अनोखा मिठाई बनाऊ जिसके लिए मैं फिर व्हाट्सअप पे बहुत मतलब यूट्यूब पे सर्च कर रही हूँ बहुत ज़्यादा कुछ मुझे मिल जाए क्योंकि मुझे खाना बनाना उतना अच्छे से आता नहीं है या मैं अभी खाना बनाना शुरू भी करना है बहुत सारे आइटम्स हैं तो देखते पापा को कैसा लगता है ये सरप्राइज़ एंड अगर आपको ये ब्लॉग देखना है पूरे ब्लॉग पे बने रहिए देखिए मैं आज क्या क्या बनाती हूँ सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो so, आज मैं दो तरह की फिश बनाऊंगी ये है इलिश फिश इसको मैंने हल्दी और नमक के साथ मैरिनेट करके अभी इसको फ्राई कर लिया है एंड इसके साथ ही ये आर फिश जो मेरी बहुत फेवरेट है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कांटे होते हैं और कांटा नहीं है एंड इसको जब आप फ्राई करो ना ये बर्स्ट होता है तो थोड़ा सा ध्यान से फ्राई कीजिएगा एंड इसको आपको एकदम चिकन जैसा बनाते हो अदरक लहसुन प्याज के साथ एकदम रिच वाले बनाना होता है बिल्कुल पतला झोल इसका नहीं होता है तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है तो इसके लिए मैंने दो आलू को क्यूब करके काट के थोड़ा सा लाल करके फ्राई कर लिया है एंड इसको मैं अभी निकाल लूँगी ये फिश में जाएगा जो आर्ट फिश है उसी में जाएगा अब यहाँ पर मैंने प्याज को पेस्ट करके रख दिया है एक साथ मैंने बहुत सारा प्याज पेस्ट, पेस्ट कर लिया था चार पाँच रो प्याज़ लेकिन क्योंकि टाइम नहीं था तो यहाँ पर मैं तकरीबन दो प्याज़ पेस्ट डाल रही हूँ यहाँ पर क्वांटिटी के हिसाब से आप यहाँ पर दे सकते हो मसाला मुझे जो अच्छा लगता है मतलब आंखों में देख के जो ठीक लगता है मैं वही दे रही हूँ फिर भी मैं मेजरमेंट आपको देते हुए जा रही हूँ दो चम्मच तकरीबन एक डेढ़ दो चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है यानी इसको मैं अच्छी तरीके से पकाऊंगी जब तक वो स्मेल ना चला जाए प्याज और अदरक लहसुन का जो स्मेल होता है एक एक करके हल्दी और नमक डाला है एंड डाल रही हूँ टमाटो प्यूरी इसको मैंने पेस्ट करके रखा है टमाटर को एंड इसको मैं पकाते हुए जाऊँगी भूनती हुई जाऊँगी एंड And... कंटिन्यूसली इसको आपको हिलाते हुए जाना है वरना नीचे जल जाएगा मसाला एक एक करके भी मसाला डालूंगी इसमें डाल रही हूँ मैं ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर एंड इसके बाद जो फ्राई किए हुए आलू है उसको भी डाल दूंगी ताकि आलू में जो मसाला है वो कोट हो जाए और मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मसाले को भूनती हूँ इससे क्या होता है मसाला जलता नहीं है एंड ऑयल भी जल्दी जल्दी छूट जाता है अब सबकी खाना बनाने की अलग अलग ट्रिक होती है मेरी भी यही ट्रिक है मैं ये ट्रिक फॉलो करते हुए आप शायद अलग करते होंगे एंड देन मैं तकरीबन दो कप के तक करीब पानी ऐड कर रही हूँ एंड इसको अभी थोड़ा सा बॉयल होने देंगे एंड आलू को पकने भी देंगे तो आलू जब आ, कवर होके मैंने पका लिया है तो 80 परसेंट तक कुक हो गया है अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फ़िश एंड इसको अच्छी तरीके से कोट कर दूंगी मसाले में एंड इसको भी थोड़ी देर के लिए ढक के पकाऊंगी ताकि जो सारे मसाले हैं उस आ, फिश में चला जाए एंड आलू भी पक जाए एंड हो गया है मेरा खाना रेडी आप देख सकते हो बिल्कुल ग्रेवी एकदम बहुत ही टेस्टी बना है थोड़ा सा मैंने झोल रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग खाएंगे इसीलिए अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ वाइट चिकन जिसमें मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा है दही कसूरी मेथी अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक के साथ तकरीबन एक घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था थोड़ा सा नमक भी मैंने ऐड किया थे किया है इसमें एंड जो बाकी प्याज का पेस्ट था उसको मैं ऐड कर रही हूँ वो थोड़ा सा कम हो गया तो इसीलिए मैंने प्याज को ऐसे ग्रेट में काट लिया है एंड मैं यहाँ पर अदरक लहसुन उनका जो पेस्ट है बचा हुआ था उसको भी दे रही हूँ एंड इसको मैं अभी भूलूँगी जब तक थोड़ा सा वो स्मेल निकलना है आ, खाना मैं बहुत ही हल्का सादा माटा तरीके से बनाती हूँ बिल्कुल भी रिच नहीं होता है हमारा खाना क्योंकि घर में कोई भी नहीं खा पाता है पापा के लिए स्ट्रिक्टली मना है और हम सब भी यही खाने में आ, 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 आह है इसीलिए आप चाहो तो थोड़ा सा रिच बना सकते हो इसमें भी सब एक एक करके हल्दी मसाला सब डाल के चिकन मसाला डाल के एंड ये टमाटो प्यूरी जो बचा हुआ है तो उसको डाल के पानी दे के मैं इसको भून रही हूँ अच्छी तरीके से पक गया है एंड थोड़ा सा ऑयल छोड़ना जब स्टार्ट हो गया है तब मैं यहाँ पर सारे जो मैरिनेट किए हुए चिकन है उसको मैं डाल रही हूँ एंड इसको अच्छी तरीके से भी भूनूंगी पकाऊंगी मैं हाई फ्लेम पर इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी चिकन से जो वाटर छूटेगा ना उसी से ये होगा ये थोड़ा सा थिक बनेगा ग्रेवी क्योंकि एक मैंने थोड़ा सा लिक्विड ही बनाया है तो एक को थोड़ा सा सूखा बनाऊंगी अब मैं कवर कर करके इसको पकाऊंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट तक लेकिन कंटिन्यू आपको कवर करके नहीं रखना है बीच बीच में आप इसको खोलते रहिए एंड इसको थोड़ा सा हिलाते रहिए जैसा कि मैं कर रही हूँ एंड इसको मैंने कवर करके पका लिया है अभी जो चिकन है वो तकरीबन 80 परसेंट तक कुक हो चुका है एंड इस कंडीशन में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक पेस्ट जो है काजू खसखस -खस और चार मगोज का पेस्ट वाइट कलर के होते हैं एंड इसको देने के बाद आप देख पा रहे हो कि इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल बदल गया है एकदम ग्रेवी टाइप हो गया है वाइट, वाइट वाइट कलर आ रहा है दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है एंड तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं चिली पाउडर ऐड नहीं किया हूँ तो इसीलिए चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है इसी टाइम पर आप थोड़ा सा कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो लेकिन मैंने कसूरी मेथी से मैरिनेट किया था तो मैंने ऐड नहीं किया गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हो मुझे गर्म मसाला पसंद नहीं इसलिए मैंने ऐड नहीं किया तो चिकन हो गया है भी मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है उबालने के लिए क्योंकि मुझे स्वीट बनाना है तो उसके लिए मुझे छेना चाहिए तो दूध में जब उबाल आ जाए तब मैं यहाँ पर व्हाइट विनीगर ऐड कर रही हूँ आप चाहो तो नींबू भी ऐड कर सकते हो दूध को फटाने के लिए एंड इसको देने के बाद ही दूध फट गया है और छेना निकलना स्टार्ट हो गया है जैसे कि आप देख रहे हो इस कंडीशन में मैंने बंद कर दिया है गैस को इसको थोड़ा सा भी ठंडा होने दूंगी एंड इसको मैं ना अभी छान लूँगी जो पानी है उसको आपको छान लेना है तो इसीलिए मैंने एक छन्नी डाला है ऊपर से एक कपड़ा एंड नीचे एक बर्तन भी डाला है तो एक पतला कपड़ा में इसको मैं अभी पानी को जो है एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए इसको पानी को निकाल के इसको अभी हैंग करके रख देना है तो हैंग के लिए कुछ जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे ही रख दिया एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी जो खटास है नींबू की मतलब विनीगर की वजह से वो निकल जाए अभी और एक बार पानी को निचोड़ के इसको मैंने रख दिया है तीन से चार घंटे के लिए फिर उसके बाद मैं पापा के लिए जो प्लेट है वो तैयार कर रही हूँ उनको खाना सर्व कर रही हूँ यहाँ पर मैंने थोड़ा सा राइस को बोल में दे के ऐसे चिपकाया तो इतना डिजाइन आ गया है एंड बंगाली हो तो दोई मिष्टी तो ज़रूरी है ना तो सारे चीज़ों के साथ पापा को ये सरप्राइज जब दिया तो पापा कंफ्यूज थे उनको क्या मतलब एक्सप्रेशन देना था बहुत ही खुश हुए थे <laughs> गिफ्ट पता नहीं क्या है ये टिया ने मुझे बना के दिया है ये क्या लिखा है हैप्पी फादर्स डे पुल इट এটাকে टानो টানো थैंक यू ओ वाह क्या हो क्या रहा है इसमें, <laughs> इसमें मारे क्या लिखा है ओरे बाबा हैप्पी फादर्स डे यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड लव यू डैड मेरा भी फोन दे दे

तो जो छेना है उसको अभी ये कंडीशन हो गया है दो घंटे बाद दो घंटे के लिए नहीं ढाई घंटे के लिए मैंने इसको ऐसे रख दिया था अभी इसको थोड़ा सा अलग करके अभी इसमें मैं डाल रही हूँ सूजी 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 दो चम्मच सूजी और बेकिंग पाउडर मैंने ऐड किया है अभी इसको अच्छी तरीके से गूंदना है नरम करना है ताकि ये जो मिठाई की शेप है वो मैं दे पाऊँ एंड बहुत ही हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करते हुए आपको गूंदना है जो मैंने कंटिन्यू कर दिया था एंड लेकिन ये बिल्कुल भी फट रहा था फटना नहीं चाहिए था पता नहीं क्यों वो बेंड ही ब्लेंड ही नहीं हो रहा था जो पनीर मतलब छेना मैंने बनाया था वो पूरा टूट रहा है एक्चुअली मुझसे गलती हो गई कि मैंने इसका पानी जो है पूरी तरीके से नहीं निकाला था तो इसकी वजह से ये पूरा मतलब फट रहा है जो मिठाई बनाने के एकदम भी काबिल नहीं सो so, फिर पापा आए एज माय सेवियर <laughs> तो अभी देखते हैं वो कुछ इसको बनाएंगे पता नहीं इसको और भी गूंदा जा रहा है नरम करने के लिए देखते हैं क्या बन सकता है इससे इसमें मैदा मैदा मिलाया जा रहा है अभी क्योंकि इसको पापा सोचे है कि बना हुए बोल रहे बोलो छानार बोर्फी छान बोरा छेने का बोरा मैं बनाई इसको फ्राई करके अभी इसको कुछ फ्राई बनाया जाएगा मैदा डाल के इसको गूंदा जा रहा है स्मूथनेस टा हो सो ये हुआ है इसको हम लोग अभी फ्राई करेंगे तो बार बार नीरे नीरे भाग जावे एक बार ये भाजले शक्त तो थे जाए भेतरे तो

छे, देखो की वे, छे, गैस वेल well, जरूरी नहीं कि आप हमेशा जो देखो वही आप बना पाओ या कर पाओ फर्स्ट uh, टाइम कुछ चीजें हम करते हैं तो या तो वो बहुत अच्छा होता है या तो बहुत बुरा होता है तो कोई बात नहीं एक्सपीरियंस करते करते हम लोग सीखते हैं इस बार मुझे जस्ट जो प्रॉब्लम हुआ कि छेने में जो पानी था वो मुझे बहुत ज़्यादा निकलना था तो पापा के लिए एक अच्छा सा स्वीट डिश में बनाना चाहिए थी लेकिन नहीं हुआ कोई बात नहीं मैं पापा के पास गई तो वो मुझे अभी वो कुछ बनाएंगे उसको खुद थोड़ा सा रिकवर करेंगे वही कर सकते मम्मी ने बोला छोड़ दो पापा बना पाएंगे तो अभी वो क्या कर रहे हैं ना उसको मिठाई की शेप में डुबा के कुछ बनाने की कोशिश कर रहे देखते क्या बनता है अल्टीमेटली पर हाँ दिल थोड़ा खराब हो गया कुछ बनाना चाहती थी लेकिन नहीं हुआ कोई बात नहीं मैं मैं बनाऊंगी जरूर बनाऊंगी चमचम आज नहीं तो कल ये बड़ी अच्छी बात कही आपने छोड़िए तो खा के बताओ कैसा बना है खाओ नि ये अच्छा चीज है अच्छा बना है थोड़ा मीठा कम है इसको थोड़ा और रस में भिगाना पड़ेगा थोड़ा हार्डी हो गया और सॉफ्ट होना चाहिए मेरा बीवी ने खाया है थोड़ा बदनाम किया है भी खा लिया है ऐसा बात नहीं है। ऐसा आज खत्म हुआ हम लोगों का ये फादर्स डे वाला ब्लॉग आई नो कि कुछ खराब अच्छा सब कुछ मिला के हुआ है एंड मेरी हालत तो अभी बहुत खराब हो गई इतना तो सारा खाना वाना पका के खा के सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया है एंड हैप्पी हैप्पी सॉरी हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स आउट देयर सो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो मेक श्योर sure आप मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ अलग सा लेके टाईर लव यू